ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आज है मेरे साथ में मोनू भाई, जिन्होंने शायद आज के 3 साल पहले हेयर ट्रांसप्लांट कराया था ना। हाँ, 4 साल पहले। 4 साल पहले कराया था, जस्ट मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 1 से 2 महीने हुए थे, उसके बाद इन्होंने कराया था। और आप शायद कुछ लोगों को तो यकीन ही नहीं होगा कि इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा, क्योंकि इनका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो इसके बारे में इन्हीं से पूरा डिटेल में पूछेंगे, इनकी जर्नी के बारे में, और ये हमको बताएंगे सारी चीज़ें कि क्या क्या रहा, क्या क्या फेस आया, उसके बाद में सारा कहाँ से पता चला क्या चीज़ें। तो गुरु भाई से पूछते हैं और इन्हीं से जानते हैं सब कुछ। हेलो सर, तो आज से तकरीबन 4 साल पहले 2018 में मेरा फर्स्ट स्टेज ही कह सकते हैं सर स्टार्ट हो गया था। अजय भाई, तो मैंने जैसे मैं परेशान हो रहा था, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था उस टाइम पे मेरे को। तो उसके बाद में मैं जैसे YouTube पे देखता रहता था कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट का कुछ हो जाए या हेयर रुक जाए, मतलब ट्रांसप्लांट नहीं भी हो रहे तो मतलब कम से कम हेयर गिरना रुक जाए। तो उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो सर्च किया, तो फिर मेरे को आपकी वीडियो दिखी। तो मैंने आपकी वीडियो जैसे मतलब कि मैंने 1-2-3 वीडियो देखी, उसमें जो मतलब कि आपसे आपने मतलब एक एक बात को बिल्कुल प्रॉपर खोल के बताया हुआ था। तो वैसे तो YouTube पे बहुत सारी वीडियो है, पर मेरे को ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था किसी पे। तो फिर जो भी नॉलेज गेन हुई वो आपकी वीडियो से हुई पहली बात तो। उसके बाद में फिर आपने नंबर भी दे रखा था, फिर मैंने आपको कॉल किया था। तो कॉल करके भी मैंने आपसे पूछा था कि सर ऐसे ऐसे है, मेरा फर्स्ट स्टेज है और मतलब कि मेरा हेयर थिनिंग भी हो रहा है, पतला भी है और टूट रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर आपने सजेस्ट किया था, मतलब कि फिर मेरी आपसे बात हुई, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिली। मैं क्या हाँ अभी अभी किया है, और जस्ट जैसे आपकी जो स्टेज थी ना, शायद फर्स्ट ही थी आपकी भी, हाँ फर्स्ट सेकेंड, तो ऐसे ही मेरी थी। तो आपसे कि भाई ग्राफ्ट कितने लगने चाहिए, और मतलब लाइक ग्राफ्ट में मतलब गैप नहीं होना चाहिए, प्रॉपर ग्राफ्ट होने चाहिए, हेयर लाइन प्रॉपर होनी चाहिए, तो वो सारी नॉलेज मेरे को आपकी वीडियो से मिली। तो उसके बाद में फिर मैंने आपसे बात की, आपने प्रॉपर एड्रेस दिया। उसके बाद में मैं यहाँ पे पहुँचा सर डेट लेके, तो यहाँ पे आया तो स्टाफ भी बहुत अच्छा था। तो उसके बाद मैंने आते टाइम भी आपको कॉल किया, मैं कह सर मैं जा रहा हूँ और ऐसे ऐसे है। तो फिर मैंने आपका रेफरेंस दिया यहाँ पे डॉक्टर लोग से। तो उसके बाद में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट मेरे को 1800 ग्राफ्ट के करीब लगे सर, 1800 ग्राफ्ट लगे। तो मतलब उसके बाद में 1 मंथ के बाद तो वो गिरना स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद में गिरना स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे तो मेरे थोड़ा डर गया था, मैं क्या ये तो लगे थे अभी यही जा रहे हैं। हाँ 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 सर। तो उसके बाद 3 मंथ की जैसे मेडिसिन मैं यहाँ से लेके गया था, तो वो भी जो भी मिनोक्सिडी ऑयल वगैरह वो यूज़ मैं प्रॉपर कर रहा था, मेडिसिन खा रहा था 3 मंथ का। तो 3 मंथ के बाद मेरे को रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ सर। 3 मंथ तक मैंने प्रॉपर मेडिसिन मिनोक्सिडी ऑयल प्रॉपर रखा सर जो भी था। उसके बाद में सर मेरे मतलब इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आया, मतलब मैं शॉप पे जाता हूँ या मतलब हेयर सैलून में जाता हूँ, किसी को पता ही नहीं लगता कि मैंने आज तक हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा। आप भी हेयर देख ही सकते हैं, वीडियो में क्लोजअप तो दिखा है, बाकी सामने से भी आप देख सकते हैं ट्रांसप्लांट करा रखा है इन्होंने। हेयरलाइन डिस्टर्ब हो गई थी जैसा कि कुछ फोटोज में आप देखोगे भी, और यही थी। बाकी जनरली कुछ दूसरी केयर जैसे बाहर जाना तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है ऐसा कुछ? सर देखो, मैं एक तो 2 मंथ तक तो मैं घर से बाहर ही नहीं गया, मैंने प्रॉपर जो मेडिसिन वगैरह थी वो प्रॉपर खाई, और मतलब कि 2 मंथ तक मैंने पूरा प्रॉपर रखा कि भाई अपना जो हेयर का जो सर ने बताया था डॉक्टर ने जो वो पूरा प्रॉपर रखा। उसके बाद में एक मैं सर क्या करता हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग लाइन से हूँ मैंने जैसे बताया, उसमें एक मैं डाइट बड़ी थोड़ी बैलेंस
रखता हूँ, प्रोटीन डाइट रखता हूँ, जैसे एग वगैरह हो गए, चिकन हो गया, हाँ जो प्रोटीन डाइट रहती है वो प्रॉपर रखता हूँ सर। और वीकली जैसे शैम्पू वगैरह वीक में एक बार या दो बार भी सर, तो बस इससे ज़्यादा ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब ओनली बालों पे डिपेंडेड हो गया था कि भाई कोई काम नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं था। बाकी हाँ पॉल्यूशन से बचते होंगे। हाँ पॉल्यूशन से बचा था बिल्कुल सर, ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने से बचते होंगे जो बालों के लिए हार्म करते हैं। हाँ वो तो सर देखो इतना तो करना पड़ेगा ना, तो अगर बाल चाहिए सिर पे तो इतना तो करना ही पड़ेगा। देखो ज़्यादा कोई केयरिंग पार्ट नहीं है बताया था, बस यही रहता है सिंपली इतनी सी केयर करोगे तो इतने शानदार रिजल्ट मिलेंगे, डॉक्टर के टच में बने रहो बस। सो मनु भाई एक चीज़ और बता दो, आप अपने रिजल्ट से कितने सेटिस्फाई हो, कितना खुश हो और क्या चेंजेस आए इसकी वजह से, है ना, ये चीज़ें बता दो। तो देखो सर चेंजेस बता देता हूँ मैं पहले, क्योंकि यही सब जानना चाहते हैं एंड में रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते हैं। जैसे तब मेरे हेयर मतलब कि गिर रहे थे और मेरा फर्स्ट सेकंड स्टेज स्टार्ट हो रखा था, बोलनेस आ गया था, तो उस टाइम पे सर मतलब कि कॉन्फिडेंस जो था ना मतलब बिल्कुल लो रहने लग गया था, मतलब घर से बाहर भी जाता था ना तो ऐसा लगता था कि पर्सनैलिटी बिल्कुल मेरी जीरो हो गई, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्कुल नहीं रहा। तो सच बताऊं तो सर कई बार तो मैं घर से बाहर जैसे शादी वगैरह में भी जाना इग्नोर ही करने लग गया था। तो उसके बाद में जैसे हेयर अभी जो रिजल्ट आया वो मैं तो ये कह रहा हूँ सर, मेरे को 100% में से अगर मैं रिव्यू करूँ तो मैं 110% बोलूँगा कि रिजल्ट आया मेरे को यहाँ पे। और उसके बाद में सर अभी तो मैं मतलब फुल्ली कॉन्फिडेंस रहता हूँ, अपना प्रॉपर वर्कआउट हुआ, कहीं भी मतलब आना जाना हुआ, किसी से मिलना जुलना भी हुआ, पूरे कॉन्फिडेंस से, मतलब एक जो लाइफ जीने का जो मजा है ना सर वो बढ़ गया बहुत ज़्यादा। बस अब एक चीज़ और बता दो कि जो भी बाल्ड व्यक्ति है उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे, क्या ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, क्या लाइफ में वाकई कराना चाहिए, इससे कोई रिस्क वगैरह किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर देखो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, बहुत सेफली है। पहले तो खैर जब जिस टाइम पे मैंने करवाया था उस टाइम पे तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी सर, बट अभी तो बहुत एडवांस लेवल हो चुका है, ठीक है। तो अभी तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जिनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट ही हो रही है बेशक से तो उनको भी कराना चाहिए, और जिनकी मतलब कि सेकंड थर्ड फेज में जो लोग जा चुके हैं तो उनको भी कराना चाहिए सर। खुद का एक्सपीरियंस ही मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, तो अभी 4 साल से मतलब मेरी जो लाइफ चेंज हुई है वो इसी क्लिनिक की वजह से हुई है। सेकेंडली सर मतलब एक लाइफ मतलब लाइफ जीने में मज़ा आ रहा है, तो मेरे को तो यही लगता है कि सर अपना जो सूरत के जो मेन ब्रांच है मैं इसके सिवा मैं ट्रस्ट भी नहीं करता किसी और क्लिनिक पे सर। ये हरियाणा से है इसीलिए इंडिया में कह रहे हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से आते हैं आप, क्योंकि मेन ब्रांच है एचपी की। तो ये था इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कुछ सवाल है अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और कुछ सवाल इनसे रहते हैं तो वो भी कर देना, मैं इनसे पूछकर उसका जवाब आपको दे दूंगा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, मिलता है आपसे अगर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।